कैसा है आज? आज सुबह 7 बजे से है एकदम बिल्कुल राममय है। राममय दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे जो आयोजन किया गया है इसका नाम है मेरा नगर मेरी अयोध्या। यहाँ ना जा पाने की कमी को पूरी कर रहे हैं, पहले कोई वहाँ नहीं गया है, वही उसको देखने मिले। रामगंज नगर में श्रीपाद पावन धाम हनुमत निकेतन में आज आपको अयोध्या का पूरा नजारा देखने को मिल रहा है। से आप देख रहे हैं लाइव इमेज में, जैसा आप जान रहे हैं आज भगवान श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसको लेकर पूरा विश्व जश्न मना रहा है। ऐसे में इस समय मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के लालगढ़ धारा में, जहां का अगर आप चारों तरफ का नजारा देख सकते हैं तो देखते हैं पर माहौल है। लोग यहां पर जाना चाह रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है
अन्य दिनों में जो आते रहे हम पर आने गए यार श्रद्धालुओं के साथ आने वाले आने बच्चा बच्चा राम में है, सब राम बोल रहे हैं, है ना। ये तो आज एक ऐसा ऐसी प्यार बह रही है भगवान राम के नाम से कि मेरी समझ से तो आज सारे संसार में जाता संसार राम में है। तो ये तो एक आप छोटे से हनुमान जी आज तो हनुमान जी के परम आराध्य भगवान मंदिर में बता रहे तो वो है। अब सामने आप संभवना इस स्थान में आज क्या कहते हैं जो अगल बगल मंदिर में आए हुए हैं ठीक है, लेकिन आज ये हनुमान जी के दरबार में मेरे मन से कम से कम 20 किलोमीटर इंडिया के चारों तरफ से लोग वो आए हैं अभी ठीक है दूर से आ रहे हैं आ जा रहे हैं, लेकिन आज तो पूरा भैया समाज रहा ये समाज में है और प्रसाद के लिए लाइन में खड़े हैं। आप यहाँ प्रसाद सवेरे 6:30 बजे तक हुआ है, ये निरंतर बढ़ रहा है। देखिए 5 क्विंटल आलू पीछे बनाए गए भंडारा भी हो रहा है। भंडारा भी हो रहा है, प्रसाद भी वितरण हो रहा है, भंडारा भी हो रहा है। ये क्या कहते हैं आप भक्तगण को प्रसाद दें तो हम इनके मन के भाव भी जाने कि आज का जो प्रसाद आप पा रहे हैं जो यहाँ बढ़ गया ये जी जी ये भक्त भाव है। ये जो प्रसाद आज आप ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर ये राम कलर का जो प्रसाद आप देख रहे हैं क्या कैसे कम है आज भाव तो राम तो सबके मन में है। अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे यहाँ दर्शन कर रहे हैं तो कैसे दर्शन कर पाए वो तो राम में है। इस समय तो हम सब कुछ आज़ादी में हम तो इसी क्षेत्र के अवध के लिए तो क्या आज अगर अवध से बात करें तो अवध से झंडा बुलंद होगा हिंदू राज का रास्ता बुलंद हो चुका है तो अगली बार क्या देखना चाहेंगे कैसा बार एकदम और तो ये आपने मंदिर के भीतर में था यहाँ का नजारा आपने सुना यहाँ के लोगों को आपने सुना हर व्यक्ति उसे कुछ न कुछ कहता नजर आ रहा है कुछ न कुछ बोलता नजर आ रहा है। तो ये छोटे से बच्चे हमारे साथ हैं कौन सा दिन है नहीं आज किस लिए दर्शन करने आए हो कल छुट्टी है क्या राम महोत्सव है तो आपको पता है कि आज के दिन क्या हुआ राम मंदिर बना है दर्शन हुआ है आपको पता है आप तो यहाँ पर आए हो दर्शन करने आए तो आपने ये माथे में क्या लगा रखा है क्यों लगाया अच्छा ये गाना बहुत प्रसिद्ध हो रहा है भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा आपने सुना है चलिए ये तो आपके मन की भावना है चलते हैं और लोगों से मिलते हैं और देखते हैं उनके मन की क्या हम उन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर प्रसाद पा रहे हैं प्रसाद वितरण कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्या क्या सबसे बात तो लालगंज का माहौल कैसा है आज आज सुबह 7 बजे से है एकदम बिल्कुल राममय है राममय है राममय है तो प्रसाद वगैरह आप खा लिए प्रसाद बांट भी रहे प्रसाद बांट भी रहे तो आप भाई साहब क्या नाम है हमारा सर नाम है दया शंकर तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ आप कर रहे हैं आप जैसे कि आप भेज दिशा में क्या कर रहे हैं इतने भी यहाँ झंडे लगे हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया से लेकर चौराहा तक एसा बरिंकू महिला जनरल स्टोर की तरफ से लगा हुआ है। अच्छा मतलब आज झंडे आप काफ़ी लगवाए हैं अच्छा भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं हाँ भंडारे कचालू का खीर का फुल्की का चाय का बाकी अनवरत प्रभु इच्छा तक रात 12 बजे तक मंदिर पर प्रसाद का वितरण होगा और जो साथ में भंडारा वगैरह चल रहा है ये लगातार चल रही है ये ठंड का जो मजा ले रहे हैं भाई हनुमान जी की कृपा ओझा जी की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है और प्रसाद भगवान के नाम आज पूरा भारत जो है ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या नहीं पहुँचे हैं तो कुछ कमी रहेगी बिल्कुल नहीं हम लोगों ने अपने अयोध्या जाएगा जिसके उपरांत शाम 7 बजे आतिशबाजी का
आतिशबाजी है, दिन भर भंडारा है, सुंदरकांड का पाठ हो चुका है, सायंकाल भजन संध्या का भी प्रोग्राम रखा जाएगा और अनवरत भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है। ये माहौल है देश दुनिया का, और आप हर नगर कस्बे का भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आनंद ले रहे हैं, बच्चे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। हाँ, आप प्रसाद खाए? हमने तो खा लिया, बहुत बढ़िया प्रसाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलते हैं दूसरी तरफ, माहौल दिखाते हैं वहाँ का, क्या माहौल है, क्या आनंद है। मैं उनसे बात करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पे भंडारा क्यों हो रहा है मालूम है आपको? भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए, विराजमान हुए इसलिए। हाँ? तो आज क्या क्या आपने आनंद लिया, किस किस चीज को? बहुत चीज का लिया। अच्छा, तो मन क्या कह रहा है, कुछ बोलेंगे? एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुश हो? क्यों खुश हो? क्योंकि आज राम जी की अयोध्या में आए हैं। ठीक है, तो जैसे एक भजन है जो भारत का बच्चा बच्चा, आपको याद है? याद है, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, अरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। कर सकते हैं और मेरे टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे देख सकते हैं। आपके आस पड़ोस में भी यही नज़ारा होगा, लेकिन मैं जहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ वहाँ का नज़ारा आपको दिखा पा रहा हूँ। बने रहिए हमारे चैनल। चालू दिया जा रहा है और भी चीज़ें दिया रहा है। दो बजे से स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। सात साढ़े सात तक, आशीर्वाद तक चलेगा, आशीर्वाद तक चलेगा। तैयारी जोर शोर से, एकदम जोर शोर से। माताओं, बहनों और बच्चों के लिए फुल्की की व्यवस्था है। तो सारा दिन आप लोग बाइक, जय श्री राम। तो लोग हर तरीके से आनंद ले रहे हैं, हर तरीके से लुक उठा रहे हैं इस पर्व का। कोई बाइक रैली निकाल रहा है, तो कोई डीजे चला रहा है। हम डीजे के पास चलेंगे और वहाँ पर क्या व्यवस्था है किसी का, उसको भी जानेंगे। जैसा आनंद उस रंग रूप का, कोई रूप रंग नहीं होता आनंद का, वो जिस रूप में मिले वैसे मिलता है। लेकिन तैयारी जोर शोर पे है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आनंद दिया जा रहा है, भजन चलाई जा रही है। ये डीजे जो रात में और रौनक देगा, वो रात का माहौल आपको अलग से दिखाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं कितना बड़ा द्वार बनाया गया है, यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण हमारे साथ मौजूद है। ये लोग आज कितना पर्व का आनंद ले रहे हैं, वो सब चीज़ों को जानते हैं। आज राम में है और लालगंज में जो उत्साह है वो देखने लायक है, ऐसे में आप क्या बोलेंगे? हम तो बोलने के लिए हमारे पास बहुत शब्द हैं, लेकिन इतना कहेंगे आज रामोत्सव के दिन इस पावन धाम हनुमत निकेतन मंदिर पर दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे जो आयोजन किया गया है, इसका नाम है मेरा नगर मेरी अयोध्या। और हम लोगों ने यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पूरे उत्सव की तरह इसको आज इस रामोत्सव को हम मना रहे हैं। मतलब आप अयोध्या ना जा पाने की कमी को पूरी कर रहे हैं, पहले कोई वहाँ नहीं गया है तो आए, वही उत्सव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आज लालगंज नगर में श्रीपाद पावन धाम हनुमत निकेतन में आज आपको अयोध्या का पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जय श्री राम। व्यवस्थाओं में सुबह 7 बजे से आज यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ है और उसके बाद फिर अभी भंडारा चल रहा है। हमने यहाँ पे LED बड़ी LED स्क्रीन पे लाइव टेलीकास्ट को जनता को आज दिखाया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का सारा समय आज हमने जनता के लिए LED की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी थी और उस LED पर सभी लोगों ने पूरी तरह से भगवान राम के दर्शन किए। और इसके बाद आपको अभी शाम को अभी दीपोत्सव मनाया जाएगा और दीपोत्सव के बाद यहाँ पर एक भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। और आप भी से मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आइएगा और एक बेहतरीन नज़ारे को आज यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, राम उत्सव पे जो नज़ारे होंगे उन सबको हम कैद करेंगे और यहाँ की जनता से पूछेंगे कितना आनंद आ रहा है। यहाँ पर तो राम लला माई के शुभ आगमन पर पूरा लालगंज अयोध्या में हो गया,
ऐसा लग रहा है कि अयोध्या यहीं पर हो रहा है, अयोध्या में यहीं पर हो रहा है। इतना भव्य स्वागत हो रही है, इतना भव्य तैयारियाँ हुई है उनके लक्ष्य में, यहाँ पर उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कभी जब शब्द हमारे कम पड़ जाएंगे। बच्चे जो खूब आनंद ले रहे हैं, मतलब क्या क्या आनंद ले रहे हो आज? बहुत आनंद ले रहे हो, क्या बोलोगे आज? क्या बोलोगे आज, क्या कुछ बोलना चाहोगे? जय श्री राम तो बोलिए, बोलो जय श्री राम। ये बच्चे हैं जो मन के भाव इनके कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो ये नज़ारा है, एक बार अगर आपको फिर से दिखाएं तो चारों तरफ आनंदमय का वातावरण है, चारों तरफ लोग आनंद ले रहे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हम अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और अभी रात को भी कई सारे कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि रामलला आज जैसे उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो पैदा हुए हैं, ऐसा माहौल बनाया गया और उस तरीके से आज उनके भाव भजन की जा रही है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में और भी चीज़ों का। और जय श्री राम।